हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पे जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक। और आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो है टोटल नंबर ऑफ एटॉम अटैच्ड, टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, यदि इसका पूरा का टोटल आता है 2 तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस पी हाइब्रिडाइजेशन। यदि इसकी वैल्यू आती है 3 तो ये हो गया एस पी टू, 4 आता है तो ये हो जाएगा एस पी थ्री, 5 आता है तो ये हो जाएगा एस पी थ्री डी, 6 आता है तो ये हो जाएगा एस पी थ्री डी टू, 7 आता है तो ये हो जाएगा एस पी थ्री डी थ्री, और 8 आता है तो ये हो जाएगा एस पी थ्री डी फोर। आपको यहाँ पर सिर्फ 8 तक याद रखना है, 8 तक आप निकाल सकते हैं। 2 यानी कि 1 और 1 2, 3 यानी कि 2 और 1 3, 4 यानी कि 3 और 1 4, 5 यानी कि 3 1 4 और 1 5, 6 यानी कि 2 और 3 5 और 1 6, 7 3 3 6 और 1 7, 8 4 और 3 7 और 1 8। तो ऐसे करके आपको ये याद करना है कि आप सीधे सीधे इसे निकाल सकते हैं। तो आगे जब हम हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक के बारे में बात करेंगे तो आप 2 मिनट में या 1 मिनट में इसको निकाल सकते हैं कौन सा कंपाउंड है, और उस कंपाउंड में आपको किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। इसमें हम पहले एग्जांपल लेते हैं। आपको 2 चीजें याद रखनी है, टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच एंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पहला है हमारे पास CH4। CH4 में जो टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच है वो है यहाँ पर 4, 4 प्लस, और आपको पता है जो कार्बन है, कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ साझा कर दिए हैं, हाइड्रोजन के साथ काम पे लगा दिए हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे 0, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4, और 4 को हमने यहाँ पे बताया था ये हो गया एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास है एन एच थ्री, NH3 की हम यहाँ पे बात करते हैं तो NH3 में क्या हो जाएगा, जो आपका टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है वो है 3, 3 तो यहाँ पे हो गया, लेकिन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है वो होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और 5 में से इसने 3 तो काम पे लगा दिए हैं 3, यानी कि यहाँ पर बचता है 2 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो इसे लिखेंगे हम 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगा sp3। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जांपल है H2O। तो H2O को हम कैसे निकालते हैं, जो ऑक्सीजन है इसके साथ जो टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है ये है 2, 2 एटम अटैच्ड है, और आपको पता है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है यहाँ पे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 में से 2 तो इसने काम पे ले लिए हैं हाइड्रोजन के साथ, और बचे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर यहाँ पे होते हैं, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 4, और 4 को हम लिखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा टफ एग्जांपल लेते हैं IF7। IF7 आयोडीन आपको पता है 17 ग्रुप का एलिमेंट है, सबसे पहले हमको यहाँ पे पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है वो कितने हैं 7, 7 नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो, कितने हो जाएंगे, तो आयोडीन आपको पता है 17 ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
और 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे Fe7 है, तो 7 के 7 इसने काम में लगा दिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 इक्वल टू 7, और 7 को हम लिखते हैं sp3d3। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है XeF4, टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच्ड इक्वल टू 4 प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जीनोन आपको पता है 18th ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 8, और यहाँ पे 4 को इसने काम में लगा दिए हैं, माइनस 4 इक्वल टू 4, 4 यानी कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, यानी कि sp3d2। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका XeO3, टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच 3 प्लस जिनोन के पास है 8 है, 3 ऑक्सीजन है, यानी कि 3 गुना 6 यहाँ पर यूज हो गए हैं, तो यहाँ पर बचे 2 इक्वल टू 1 लोन पेयर, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू होता है 4, और 4 को हम लिखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आपका XeOF4, टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच 4 प्लस 1 5 प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो जीनोन के होते हैं 8 माइनस 2 ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 लोन पेयर, 5 प्लस 1 इक्वल टू होता है 6, तो 6 को हम लिखते हैं sp3d2। नेक्स्ट है SO4 माइनस 2, जो सल्फर है आपका वो है 16th ग्रुप एलिमेंट, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो है 4, टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है 4, 16 ग्रुप का ये है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 माइनस है, माइनस का मतलब इसने लिया है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसमें से इसने ऑक्सीजन के साथ साझा किए हैं 1 ऑक्सीजन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए, तो 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 इक्वल टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आपका लास्ट है NH4 पॉजिटिव, टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है 4, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यह भी निकालेंगे, नाइट्रोजन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव यानी कि इसमें डोनेट कर दिया है, तो माइनस 1 एक डोनेट कर दिया है, तो यहाँ पर बच गए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के 4 इसने हाइड्रोजन के साथ काम में ले लिए हैं, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 0, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, तो 4 को हम लिखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये रही आपकी पहली क्लास, हाइब्रिडाइजेशन हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, उसका हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है, पहला है टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच्ड और दूसरा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास आपको पता है, ऑक्सीजन जब किसी के साथ बॉन्डिंग करता है तो वहां पे डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।